बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। पाकिस्तान में अच्छे लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन अफसोस के हर रोज़ मरने वालों में से अच्छे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो पीछे बुराई ही रह जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। अब हम इस अज़ाब को रोकने के लिए अच्छे मरने वालों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अच्छाई की तादाद में इजाफ़ा ज़रूर कर सकते हैं ख़ुद अच्छा बनकर, और इसके लिए हमें वापस अपने घर आना पड़ेगा, पढ़े हुए कुरान पाक को पढ़ना होगा, समझना होगा, और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। तभी हम अच्छे इंसान बनेंगे और तभी अच्छाई में इजाफ़ा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों का, रब का, हमसायों का, दोस्तों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बुज़ुर्गों का भी, और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, किसी के लिए कोई भी किसी किस्म की मुश्किल पैदा ना कीजिए। जज़ाकअल्लाह।